ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 25 अगस्त 2020 मंगलवार का दिन है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इसे संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है या संतान साते भी कहा जाता है। मुक्ताभरण सप्तमी भी इसे मनाया जाता है और इस दिन सभी पुत्रवती माताएं अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए या संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रख के पूजन अर्चन करती है। यदि आप संतान सप्तमी की अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमने आपके लिए अन्य वीडियो प्रस्तुत किया है, उसको जरूर देखिएगा। तथा संतान सप्तमी की कथा भी हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको भी आप देखिएगा, सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। विशाखा नामक नक्षत्र होगा। तुला राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहुकाल जो कि 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि राहुकाल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहुकाल कुछ स्थानों पर माना जाता है और कई जगह नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव सिंह राशि में, चंद्रमा जो कि तुला राशि में और मंगल ग्रह जो कि मेष राशि में, बुध सिंह राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन व केतु धनु राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये 5 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 12 राशि वालों के भाग्यशाली उपाय क्या रहेंगे और भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज आप सामाजिक कार्यों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित रखेंगे। आपको कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। कोई पारिवारिक मामला बहुत दिनों से चल रहा है, कोई मसला यदि चल रहा है तो वो भी हल हो जाएगा। वातावरण सुकून तथा शांति भरा आपको महसूस होगा। और उपाय के रूप में गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य बनने की पूरी संभावना है। आपके व्यक्तित्व और व्यवहार में जो है अच्छा रहेगा, जिसके कारण लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके कार्यों की तारीफ की जाएगी। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई की ओर एकाग्रचित्त रहेगा। व्यर्थ घूमने फिरने में अपना समय नष्ट न करें, क्योंकि आलस्य और मौज मस्ती के कारण कुछ महत्वपूर्ण काम आपके अधूरे रह सकते हैं। युवा वर्ग को अपने कैरियर के प्रति चिंता रहेगी और कार्यक्षेत्र में कोई भी निर्णय करने के पहले अधिक सोच विचार आपके लिए आवश्यक होगा। उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में सफेद फूल चढ़ाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि नीला होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज ग्रहों की स्थितियां आपके पक्ष में हैं। बेहतरीन वातावरण आपके लिए निर्मित हो रहा है। समय का भरपूर सम्मान करें। व्यवसाय और परिवार दोनों में उचित सामंजस्य बनाकर रखें। आर्थिक मामलों की कुछ टेंशन हो सकती है। घर की देखरेख संबंधी कार्यों में आपका खर्च हो सकता है, इसके कारण आपका बजट भी बिगड़ सकता है। और उपाय के रूप में गणेश जी को बेसन की मिठाई चढ़ाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि कैसरिया होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपका अधिकतम समय धार्मिक व समाज सेवी कार्यों में व्यतीत होगा। बच्चों की किलकिरा से संबद्ध कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है, यानी संतान संबंधी कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। अचानक किसी रिश्तेदार के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, जिसकी वजह से आपको तनाव महसूस होगा और महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में मेहंदी चढ़ाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि लाल होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा या किसी निकटस्थ रिश्तेदार से या परिचित व्यक्ति से लंबी चर्चा होगी। अपने सगे संबंधियों से मिलना आप
आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। किसी नजदीकी व्यक्ति के घर में मांगलिक समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। मौज मस्ती के साथ साथ घर की समस्याओं तथा परेशानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। बच्चों की परेशानियों में उनका सहयोग करना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। दाम्पत्य जीवन थोड़ा तनावग्रस्त हो सकता है तथा घर में किसी भी प्रकार का ऐसा माहौल न बनाएं जिससे कलह की उत्पत्ति हो। और उपाय के रूप में भोजन के बाद मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि सफेद होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर धार्मिक कृत्य संबंधित समारोह में जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। काफी समय के बाद सगे संबंधियों से मिलना आपके लिए खुशियां देने वाला होगा तथा एक नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे और नए जोश के साथ अपने सभी कार्यों को आप अच्छी प्रकार से संपन्न कर पाएंगे। व्यावसायिक रूप से आपको अधिक जो है लक्ष्य बना करके मेहनत करना पड़ेगी। और उपाय के रूप में गणेश जी को हरी रंग की दुर्वा चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि हरा होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। रोजमर्रा की गतिविधियों से अकता करके या परेशान होकर के आप आराम करने का विचार करेंगे। सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों में अधिक समय व्यतीत होगा और एक नई खुशियां तथा नई ऊर्जा आपको प्राप्त होने वाली है। धन लाभ के भी नए संकेत आपको मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के अनुसार उचित परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक जीवन में विघटन जैसी स्थितियां निर्मित हो रही है जिसके वजह से परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, परंतु आपका सुझाव और सहयोग काफी स्थितियों को जो है सुधार देगा। कार्यक्षेत्र में अधिक समय आप नहीं दे पाएंगे, परंतु फोन कॉल्स को नजरअंदाज न करें। इनके द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार आपको मिलने वाला है। उपाय के रूप में किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को यदि आप वस्त्र का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि सफेद होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज के ग्रह गोचर आपके भाग्य को अधिक बल प्रदान करेंगे तथा लोगों का भरपूर सम्मान आपको करना चाहिए। लोगों की बातों का भी आपको जो है उपयोग करना चाहिए और किसी नए व्यक्ति के माध्यम से कोई शुभ सूचना या अच्छा समाचार आपको मिलने वाला है। पुरानी नकारात्मक बातों को छोड़ करके वर्तमान पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। घर परिवार में शालीनता सौम्यता आपकी आवश्यक होगी। दूसरों की बात अधिक से अधिक सुने और उनका मनन करें तथा पलट करके ऐसा कोई भी जवाब न दे जिससे दूसरे को जो है ठेस पहुंचे या उनका दिल दुख जाए। इसलिए अपने व्यवहार में आपको शांति और सौम्यता की बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी को एक लाल फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज कोई भी काम करने से पहले दिमाग की अपेक्षा दिल की बात सुने। आपकी अंतरात्मा आपको अच्छी सूझबूझ व सोच विचार की क्षमता प्रदान करेगी। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने की योजना बनेगी। कभी कभी आपकी लापरवाही आपके लिए परेशानियां पैदा उत्पन्न कर सकती है। घर के वरिष्ठ लोगों की अनदेखी बिल्कुल न करें, उनकी सलाह लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। उपाय के रूप में गणेश जी को पान और सुपारी चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि हरा होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कोई भी कार्य करने से पहले उसके सभी पहलुओं को अच्छी प्रकार से देख ले, पढ़ ले, समझ ले और एक नई दिशा नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जो भी काम मेहनत करे उसको ईमानदारी पूर्वक करे, लापरवाही बिल्कुल न करे, अन्यथा आप नुकसान में आ सकते हैं। और उपाय के रूप में काले तिल का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। संतान पक्ष से आपको कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। जो चिंता अभी तक चल रही है वह भी दूर हो जाएगी। घर में सुकून का शांति का वातावरण निर्मित होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप कर सकते हैं। जो भी निर्णय लेंगे वह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। निवेश संबंधी कार्य आपके आ सकते हैं और स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में यदि आप सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि लाल होगा।
अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज दोस्तों के साथ पारिवारिक मनोरंजन का जो है कार्यक्रम आपका बन सकता है और प्रत्येक कार्यों के लिए आपको अपने मित्रों, रिश्तेदारों या परिचित लोगों का सपोर्ट लेना चाहिए। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, सोच विचार करके आपको निर्णय करना चाहिए। उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में कोई भी फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि पीला होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।